वी आर गोइंग टू दैट विलेज, दैट इज़ माई विलेज. एक घंटा टारगेट कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएँ. सीन तो काफ़ी ब्यूटीफुल है यार. चलो भागते हैं. आपको समझ में नहीं आएगा. तो नाम है धौल छीना. यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो ढाबे हैं वहाँ का जो खाना आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही टेस्टी. यहाँ की जो रोटियाँ हैं एकदम सॉलिड. और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं अशोक और पंकज. ये मैं दिखा दूँ, मेरा नाम पहले आया तो मैं अपनी शक्ल दिखा दूँ. और ये जो दाल है ना बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ की रोटी. और ये बेस्ट पार्ट ऑफ दौल छीना रायता. तो बस अभी यहाँ से हम खाना खा के निकलते हैं फटाफट. डन विथ लंच गाइज. दौल छीना से हम निकल रहे हैं. तो ये एक व्यू है धौल छीना से. थोड़ा आगे अगर आप आओगे, कभी धौल छीना में रुक रहे हो तो थोड़ा आगे देखना, आपको ये सीन मिलेगा. ये इधर अल्मोड़ा है, उधर पिथौरागढ़. हाँ, इधर अल्मोड़ा, उधर पिथौरागढ़. नहीं नहीं, तो अल्मोड़ा दिल्ली में ही आता हूँ सर. यहाँ आपको इसमें आता है कि पिथौरागढ़ में आता हूँ. पिथौरागढ़ में आता ना. हाँ, तो अभी तक की जर्नी जो थी वो थी बस में, कार में, ट्रेन में, ठीक है. एक्चुअल जो जर्नी है जो कि ट्रक होने वाला है वो शुरू हो रहा है अब. तो अशोक, आर यू एक्साइटेड? एक्चुअली आई एम नॉट एक्साइटेड बिकॉज आई एम टायर्ड. मुझे लगा मैं क्यों आ गया. अब लग रहा है कि कार में वापस चला जाता. इतना बड़ा बैग लेके चलना, यू नो. अभी तो जर्नी शुरू हुई है अशोक, ट्रैक करके जा रहे हैं यहाँ से. और ये सीन हमारे सामने है फिलहाल. काफ़ी प्यारा लग रहा है ना, लेकिन खतरनाक भी है थोड़ा. इट इज़ 4:45 राइट नाउ एंड वी आर टारगेटिंग टू रीच देयर अराउंड 5:45. या एक घंटे में पहुंचने का ट्राई कर रहे हैं. लेट्स सी इफ दैट हैपेंस. अभी यहाँ पे जल्दी शाम हो जाती है क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है. कोई जंगली जानवर ना मिले अदरवाइज पंगा हो जाएगा. यहाँ पे बाघ आते हैं, बाघ. अभी जो व्यू है, दिस इज द व्यू राइट नाउ बिहाइंड मी. हम जा रहे हैं वहां. दैट इज माई विलेज. एक घंटा टारगेट कर रहे हैं कि हम वहां पहुंच जाएं. चलो भागते हैं. Thank you.
रास्ता देखो आप कैसा है यहाँ पे, ये रास्ते से हमें जाना है और आगे जो आपको दिख रहा है वही है हमारा गांव जो छोटू सा है। बस वो गांव के ऊपर जो आपको सबसे घर दिख रहा है वो ऊपर वाला वो है मेरा घर और वहाँ तक रोड भी आ चुकी है लेकिन वी आर प्लानिंग टू ट्रैक। कुछ ऐसा ही सीन है गाइस अभी फिलहाल। एंड वो जो देख रहे हो वो है पुल जिसे हम पार करके फिर वो ऊपर की तरफ जाएंगे गांव में। फिलहाल तो अभी हम यहीं हैं। वो जो ऊपर दिख रहा है कटा हुआ पहाड़ वो रोड है, अभी तो फिलहाल रोड आ चुकी है तो थोड़ा ठीक हो गया। जो पहले के लोग थे वो लोग इस गांव से अभी जो मेन रोड है ऊपर वहाँ तक पैदल आते थे हर काम के लिए, कोई आता था स्कूल के लिए, कोई आता था अपना सामान लेने। अब देखो दिस इज हाउ वी आर गोइंग। पहाड़ी में इसको भियो बोलते हैं। भियो? भियो किसे? भियो मतलब ये जो हम उतर रहे हैं ये पहाड़ को भियो बोलते हैं। भियो ओके। तो इतना हमने ट्रैक कर लिया है, कोई और भी आ रहा है हमारे पीछे और वो जो दिख रहा है आपको वो रोड है, वो मेन रोड है और ये है गांव। लोग बोलेंगे कि हम पागल हैं, क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी रोड वहाँ बनी हुई है फिर भी आप पैदल चल रहे हो। तो पॉइंट ये था कि हमें ट्रैक करना था क्योंकि जैसे मैं हैदराबाद में रहता हूँ, अशोक दिल्ली में रहता है, जबकि अशोक का सारा बचपन पहाड़ में बीता है लेकिन फ़िलहाल वो दिल्ली में रहता है। हम ज़्यादा चल नहीं पाते क्योंकि कैब आती है घर पर लेने, कैब आती है घर पर छोड़ने। और ऐसे जर्नी के लिए लोग तो ट्रैक्स बुक करते हैं, ठीक है, वो बुक करके काफ़ी अलग अलग जगह जाते हैं जैसे उत्तराखंड हो गया या हिमाचल हो गया। हमारा ये नेचुरल ट्रैक है यार देखो। एंड जैसे मैं अभी बताया पहले के लोगों को तो ये हम कंपलसरी ही था। देखो सांस भी फूलने लग गई क्योंकि आदत नहीं है। तो हमने थोड़ी जर्नी तो कर ली, वहाँ से रोड थी हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ से जो नज़ारा है आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। नीचे नदी है, उसकी आवाज आ रही है बहने। इट्स डेंजरस एज वेल, सी हाउ डेंजर इट इज। तो ये पूरा आप जो देख रहे हो ये है जंगल, यहाँ पे रहता है बाघ। देख रहे होंगे कि कैसा रास्ता, देखो यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। वो तो स्कूल है वहाँ तक जाना है हमें, उसके बाद फिर नीचे उस नदी पे एक पुल है वो पार करना है। अभी हम नदी के इतने पास पहुंच चुके हैं और बस चलते जा रहे हैं। और हाँ, पहाड़ में अगर आप कभी ट्रैक कर रहे हो तो जूते ज़रा अच्छे वाले पहनना। मैंने भी पता नहीं ऐसे पहने हैं बाटा के, लेकिन ये पहाड़ लायक ही हैं। और एक टिप ये है कि आप कभी भी ट्रैक कर रहे हो उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना और थोड़ी आदत बना लेना क्योंकि हमारे जो पैर हैं भी काफ़ी दर्द हो रहे हैं।
और अभी अरे बाप रे अब ये पहुंचे हैं हम पुल पे। गाइस ये ट्रैक था अभी यहाँ तक, यहाँ से भी काफ़ी ऊपर और जाना है, तो अगर इसमें बैटरी बची और मैं रिकॉर्ड कर पाया तो आई विल शो यू हाउ इट इज़ फ्रॉम हियर। मे बी मैं मोबाइल में थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन देखिए यही है सीन। मैं खड़ा नहीं होना इसमें, हिल रहे आ जाओ। Yes, we have crossed the bridge. It is getting dark. जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। So हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया है and we are going through this route. एंड यस अगर आपको दिख रहा होगा तो वी आर कमिंग फ्रॉम देयर, वो जो टॉप में लाइट दिख रही है बीच में वहाँ से आ रहे हैं। सीधा सीधा ऊपर 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 राइट 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 सो यस दिस इज हाउ वी आर गोइंग। झाड़ियाँ देखो यहाँ पे, और यस समन केम to take us from here. Namaste, कैसा है? ठीक आप कैसे हो? बस बढ़िया। What's up? Reached our house here. मैं आपको अपडेट देता हूँ अंदर पहुँच के, काफ़ी थक गया यार। देखो ये हाल हो रहा है हमारे जैकेट का, पसीना पसीना, या जबकि यहाँ पे विंटर्स है, काफ़ी ठंडी है। It was a very tiring trek. और you can see we have Akki Bear in the house. अशोक, हमने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि काफ़ी स्वेट हो चुका था। हम अभी बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा, आपको जर्नी अच्छी लगी, ट्रैकिंग वगैरह आपने देखी, सो इफ़ यू लाइक दैट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट यू नॉट मिस द अपकमिंग वीडियोज ऑन दिस चैनल। So till then, take care of yourself, keep smiling, and bye. Bye-bye, guys. Bye. Bye.